हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं जेली केक, जो फ्रूट्स और अगर अगर पाउडर से बनता है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बनने के बाद, और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। तो डिलिशियस भी होगा, क्योंकि सब फ्रूट्स के अच्छे से अरोमा एसेंस सब चला गया है उसके अंदर। तो आप ये प्लीज़ ट्राई करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रूट जेली केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 लीटर पानी चाहिए। ये है एगर एगर पाउडर। पाउडर फॉर्म में भी आता है, थ्रेड फॉर्म में भी आता है। ये एक वेज प्रोडक्ट है जो जेलेटिन की जगह पे यूज होता है, और बहुत रिच सोर्स ऑफ फाइबर है ये, और रेड एल्गे से मिलता है ये नेचर में। और इसको हमको क्या करना पड़ता है, जेलेटिन को गर्म पानी में डालना होता है, लेकिन इसको हमें पहले ठंडे पानी में डिजोल्व करना होता है एंड फिर उसको गैस पे चढ़ाना होता है। तो आज हम 1 लीटर पानी ले रहे हैं। ये मेरे पास 50 ग्राम्स है टोटल एगर एगर पाउडर, जिसमें से मैं ये 2 स्कूप भर के 10 ग्राम डालूंगी, और 150 से 200 ग्राम चीनी चाहिए हमें। तो और फ्रूट्स आपके चॉइस के जो आप डालना चाहें, ये सब हमें आज के लिए चाहिए। तो पहले हम डिजोल्व कर लेते हैं एगर को पानी में। तो ये 1 लीटर मैंने अच्छे से मेजर करके पानी ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 स्कूप, और एक और ऐसे भर के डालूंगी। एकदम टेबल स्पून लेना है हमें, और इसको अच्छे से पहले घोल देना है, इसको ठंडे पानी में घोलना है हमें अच्छे से, और फिर गैस पे रख देना है। ठंडा पानी यानी नॉर्मल पानी लेना है, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं लेना है हमें, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर का पानी हो वो लेना है। बस अब ये घुल गया है, अब मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। इसको हमें मीडियम से स्लो फ्लेम पे कुक करना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और डिजोल्व कर देंगे चीनी को। ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है टफ। और फ्रूट्स में मैंने देखिए क्या लिया है, कीवी ली है, ड्रैगन फ्रूट लिया है, अनार लिया है, गुआवा लिया है पिंक वाला, ऑरेंजेस, एप्पल मुझे थोड़ा कट करना है अभी, और ये है स्ट्रॉबेरीज। तो मैंने इतना फ्रूट लिया, बनाना या और कोई भी फ्रूट आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, वो कट करके आप रेडी रख दीजिए। इसमें अब हम चीनी डाल देंगे। मैं थोड़ी सी कम डालूंगी क्योंकि हम कम खाते हैं मीठा, थोड़ा आप 200 ग्राम्स तक अगर प्रॉपर मीठा खाते हैं तो 200 ग्राम्स तक डालिए, वरना 125 to 150 ग्राम्स भी इनफ है चीनी। इसमें मैंने चीनी डाल दी, अब इसको डिजोल्व भी करेंगे और ये थोड़ा थोड़ा गर्म भी होता रहेगा। ये मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही रखना है, और इसको अच्छे से चीनी को घोल देना है। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता हो आप डाल सकते हैं, रास्पबेरी का फ्लेवर डाल सकते हैं, या फिर कार्डमम सिर्फ डाल सकते हैं, या केसर डाल सकते हैं, या पाइनएप्पल का, मैं जैसे पाइनएप्पल का डाल रही हूँ फूड एसेंस, तो पाइनएप्पल का फूड एसेंस डाल सकते हैं, तो फ्रूट एसेंस सॉरी। तो जो भी आपको मतलब फ्लेवर इसको देना है आप अपने चॉइस का दे सकते हैं। इसमें हम कलर ऐड नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। और अच्छे से एक बार चीनी घुल जाए तो बस सेट होने में इसको हाफ एन आवर ही लगता है। तो कभी बहुत जल्दी जल्दी में बनाना है, अगर फ्रूट्स हैं कुछ स्वीट डिश बनानी है तो बहुत इजी और क्विक है ये। देखिए आप फिर कैसे बनती है ये। इसमें सब कुछ अच्छे से डिजोल्व हो गया है, अब हम इसको फुल करके और थोड़ी देर गैस स्टोव को एकदम फुल पे रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स देंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। बस अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा करने रखेंगे। तो हम इसमें थोड़ा एसेंस डालेंगे अपना, और आगे का पूरा प्रोसेस करते हैं। इसमें से मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल का एसेंस डाल रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर मैंने अलग रख दिया है, मतलब हाफ से कम कुछ ड्रॉप्स डालूंगी मैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब सबसे पहले हम इसको नीचे से एक पतला सा लेयर देने वाले हैं। थोड़ा छान के निकालेंगे तो कुछ इम्प्योरिटी होगी तो वो निकल जाएगी। एक पतला सा लेयर मैंने इसको दे दिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपने फ्रूट्स। इसमें हम फ्रूट्स अरेंज कैसे भी अपने मर्जी से रैंडमली डाल सकते हैं, या कुछ आपको रखना हो पैटर्न तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स आप बहुत सारे और ग्रेप्स वगैरह, ब्लैक ग्रेप्स या जो आपके मनपसंद के हो आप ऐड कर सकते हैं। ये सेट बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें अभी हम फ्रूट्स कैसे डाल रहे हैं आप देखिए। तो हमने इसको अच्छे से फ्रूट को पूरा भर दिया इसमें। अब हम इसको इसके साथ कवर कर देंगे पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है। ये सब एम्प्टी स्पेसेस जाके ले लेगी जेली। तो हमने पूरी जितना डालना है जेली का डाल दिया है पोर्शन। अब हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। लगभग हाफ एन आवर में ये रेडी हो जाएगा। इस मिक्सचर में हम थोड़ा सा मिक्सचर बचाया है हमने, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसका कलर पूरा चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए ही दूध ऐड कर रहे हैं वो। वो वेसल थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसमें मैंने छोटे वाले में दूसरी भी करके रखी है। वो हम एकदम ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। इसमें हम ये अभी थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया है 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में। 10 मिनट्स में ये जमने लगेगी। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर डाल रहे हैं और इसको वापस सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये अगार अगार के लिक्विड में ही मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया। दूध इतना ही मिलाना है कि कलर चेंज हो उसका, कोई मेजरमेंट नहीं है उसका। अब इसको वापस हम सेट करने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर हमने ये सिरप डाल दिया है। अब हम इसको वापस जमने के लिए, जमाने के लिए रख देते हैं। तो इसे 2-3 घंटे हमने सेट कर दिया है फ्रिज में। अब ये रेडी हो गए हैं। इसको निकाल दिया है, थोड़ा सा टैप करके उल्टा कर देना है, कुछ ज़्यादा नहीं है निकालने के लिए। और इसको कट करके आप पीसेस में आराम से खा सकते हैं।